सांसद कैसा हो, अगर लड़े मैं तो हथियाने के लिए लड़े हैं। दूसरा कंडक्टर को यहाँ घुसने नहीं देना। जो इकलाक अंसारी जी हैं और फिर जाके अनुपमा सिंह है, ढुल्लू महतो, किस और रुझान आपका? बेहुदा बैंक की मुसलमान गो तस्कर है जो कि इकलाक अंसारी जी को खड़ा किया गया है। इधर ढुल्लू महतो, इधर अनुपमा सिंह है, किस और? ये नीति नियम पर आधारित बातें करते हैं जो इसी का हम लोग समर्थन करते हैं। अभी हम धनबाद लोकसभा के अंतर्गत यहाँ पे प्रासी गाँव है जो की धनबाद लोकसभा प्रत्याशी जो इकलाक अंसारी है उनका ये पैतृक गाँव है और इनका जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या मैंने इलेक्शन का क्या माहौल है और किस ओर अग्रसर ध्यान अग्रसर है लोगों का, किस ओर वोट जाएगा। मतलब क्या बोलना चाहेंगे धनबाद लोकसभा के अंतर्गत इस पैतृक गांव है जो कि इकलाक अंसारी का, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे, किस ओर रुझान है लोगों का? चाहते हैं कि इकलाक अंसारी को फुल मतों से जिताना है। दूसरा कंडक्टर को यहाँ घुसने नहीं देना क्योंकि विकास के लिए ही इन लोग लड़ रहा है। पढ़ा लिखा लड़का है, इसमें फुल समर्थन है प्रासी से। प्रासी से फुल समर्थन है। और यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे धनबाद लोकसभा प्रत्याशी से जो कि इकलाक अंसारी जी को खड़ा किया गया है। इधर ढुल्लू महतो, इधर अनुपमा सिंह, किस ओर रुझान किस ओर? सबसे बड़ा चीज है कि जो इकलाक अंसारी जी है ये नीति नियम पर आधारित बातें करते हैं जो इसी का हम लोग समर्थन करते हैं, इसीलिए हम लोग का फुल समर्थन है। फुल समर्थन है परासी से। एकदम पूरा। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ये परासी में जो है ना, हम लोग को छोड़ के किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये पूरा गांव का है, पूरा गांव में पूरा नौजवान का ये मशवरा है कि किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इकलाक अंसारी जो है ये हम लोग का वो बात बोले हैं जो शायद उन लोग को मालूम नहीं होगा। उन लोग सिर्फ अलग अलग चीज बोलते हैं, इकलाक अंसारी जी बोलते हैं कि गांव का विकास कैसे होगा या फिर ये घर घर में जा करके जो अनुपमा सिंह है शायद उसको कोई जानता भी नहीं होगा। फर्स्ट टाइम नाम सुने हम लोग कि अनुपमा सिंह नाम का कोई है, ठीक है। इसलिए हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे इकलाक अंसारी जी को और उसके सिवा किसी को यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा। एकदम ये एकदम है, ये पूरा गाँव देख सकते हैं। गाँव का जो युवा है जो जुनून जज्बा किस प्रकार बरकरार है, कहीं ना कहीं दर्द छलकता है। विकास आखिर नहीं हुआ होगा तभी जाके ये दर्द है, तब जाके ये जोश जुनून जज्बा से इस प्रकार बोल रहे हैं। और आगे हम पूछते हैं, जानकारी लेने का प्राप्त करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ये जो धनबाद लोकसभा प्रत्याशी जो इकलाक अंसारी जी हैं और फिर जाके अनुपमा सिंह है, ढुल्लू महतो, किस और रुझान आपका? देखिए, एक तरफ तो धनबाद में माफिया का जोर आतंक बहुत जोर शोर से है, दूसरी तरफ जो प्रत्याशी कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताता है उसी के अनूप सिंह के वाइफ को कांग्रेस टिकट दिया है। जो ही उसका कुछ दिन पहले एक बयान आया था, बहुत बेहुदा बयान कि मुसलमान गो तस्कर है, मुसलमान वोट बैंक है तो क्या हम मुस्लिम का सपोर्ट करें? तो आप बताइए कि कौन मुसलमान गो तस्कर है? मुसलमान गो तस्कर है तो मुस्लिम गाँव में सिर्फ जाकर वोट का प्रचार क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो देख सकते हैं इनका भी दर्द छलका जो कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और आज सांसद प्रत्याशी से खड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग शुरू से खतियाने के लिए लड़े हैं और इकलाक भैया के साथ में हम लोग हैं और रहेंगे भी, और हम लोग जब तक ले चुनाव कम्प्लीट नहीं होगा तब तक ले साथ में भी रहेंगे और हम लोग को साथ रहना भी है और इकलाक दा के साथ में हम लोग रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि देख सकते हैं इस गांव जो प्रासी गांव का जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे आपने किस तरह से यहां के लोगों का ऊर्जावान जो जोश जुनून जज्बा किस प्रकार है जो कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं लड़ने का, कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है और कहीं ना कहीं दर्द है जो कि विकास नहीं हुआ होगा किसी भी तरह का, हर तरह का, तभी जाकर इतना जोश जुनून जज्बा के साथ यहां लड़का लड़ने के लिए तैयार है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना जिंदाबाद, अखलाक अंसारी, जिंदाबाद, अखलाक अंसारी, जिंदाबाद।